नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। 26 जनवरी यहां पे मैं मौजूद हूं राजपथ पे, विजय चौक पर, जहां पर 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल की जा रही है अभी। और हर बार 26 जनवरी को जब हम लोग परेड में देखते हैं, हमारे देश को, हिंदुस्तान को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इस साल बहुत अलग होने वाला है ये 26 जनवरी, क्योंकि इस साल CRPF की जो महिला हैं खुद बाइक पे स्टंट करने वाली हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारी महिला हैं। मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, ये पहली बार है आपका? मैडम नहीं, मैं 2014 से, हमारी ये पूरी टीम 2014 से है। हाँ जी, आपकी कब से प्रैक्टिस चल रही है आपकी? मैडम हमारी तो मतलब बीच बीच में होती है, फिर ड्यूटियाँ करते हैं, काफ़ी दिन हो गए चलती है प्रैक्टिस। आपको कैसा लग रहा है, जैसे एक महिला है आप रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे देश को? मैम हमारी टीम बहुत खुश है इस चीज़ के लिए, हमें ये मौका मिला 26 जनवरी करने के लिए। और आप मुझे बताइए कि क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की आप लोग इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, क्योंकि ऐसा बहुत देखने को नहीं मिलता है, आप लोग बाइक पे स्टंट करने वाले हैं, उसके में आप बताइए थोड़ा सा। मैम हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमें 26 जनवरी के लिए ये एक मौका मिला है। हम 2014 से हमारी टीम कंटिन्यू जो है, कहीं ना कहीं कोई भी इवेंट या फेस्टिवल होता है उसमें हम लोग कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग सब बहुत खुश हैं। आप लोगों की रिहर्सल कब से चल रही है? वन मंथ हो गया है रिहर्सल करते करते, और बहुत मतलब खुश हैं हम लोग ये कि इतना बड़ा मौका मिला है, और हम 2014 से करते आ रहे हैं तो बहुत खुश हैं हम लोग। और मैं आपसे ये पूछूंगी, मतलब रिहर्सल करते टाइम आप लोगों को कभी जैसे स्टंट करते हैं, कुछ जो स्टंट है उसमें आपको चोट वगैरह लगने का डर रहता है? नहीं, इतना तो नहीं रहता, हम बहुत अच्छे से सारे प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा बहुत ऊंच नीच थोड़ी होती है, लेकिन वो सारी हम कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बारी जैसे स्टंट्स है उसमें आप लोग क्या क्या करने वाले हैं बाइक के साथ? इसके अंदर हमारे फर्स्ट इवेंट सलूट का है, और उसके अंदर लास्ट इवेंट हमारा पिरामिड का है। पिरामिड का जी। अच्छा, उसमें आग वगैरह के भी स्टंट है? आग का यहाँ पे आगे का अलाउ नहीं है, इसलिए आग का स्टैंड नहीं दिखाया जा रहा है इस बार, और बाकी स्टैंड दिखाए जा रहे हैं। स्टंट पे क्या करेंगे, बाइक उछालेंगे? नहीं, बाइक वो सीढ़ी लगा हुआ है 7 फीट का, उस पर मैं जाके माउंट होती हूँ। तो आप होंगी? जी, मैं माउंट होंगी, जमीन से 10 फीट ऊपर है जिसमें मैं जाके माउंट होती हूँ। आपने देखा है देश की जो बहादुर महिलाएं हैं, क्योंकि ये किसी से कम नहीं है, महिला किसी से कम नहीं होती है। आप देख रहे हैं इस विजुअल में कैसे महिलाएं जो है बाइक भी नॉर्मल बाइक नहीं, बुलेट है ये रॉयल एनफील्ड, और उन पर स्टंट करती हुई नज़र आ रही हैं और अपने देश को, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। इतनी बहादुर ये महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि एक बाइक पर तीन तीन महिलाएं सवार हैं और स्टंट करती नज़र आ रही है, कोई तीन से भी ज़्यादा ही नज़र आ रही है मुझे एक बाइक पर। आपने देख रही है इस विजुअल्स में, आप देख सकते हैं कैसे अपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। पुरुषों जो हमारे हिंदुस्तान के पुरुष हैं उनको भी मात दे रही हैं ये महिलाएं, और महिलाएं ये इससे ये दिखा रही हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। ये CRPF की महिला हैं जो 2014 से, आप देखिए ये वाला विजुअल देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, एक बाइक पर 6 महिलाएं हैं जो सवार हुई हुई हैं, और वो भी इतनी उसमें जिसमें गिरने का भी उनको डर नहीं है, कितनी कॉन्फिडेंट है ये महिला। आप देखिए एक और महिला, आपने देखा कि कैसे एक दूसरे के सहारा लेके एक बाइक से दूसरे बाइक पे पैर रखकर जा रही हैं, और ये पुरुष को भी ये दिखा रही हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिला अगर एक बारी कुछ ठान ले तो वो करके रहती है। और जब भारत की महिलाओं की बात आती है तो भारत की महिलाएं किसी से पीछे नहीं हटती। आप ये देखिए कैसे स्टंट है, ये माउंट करेंगी, ये 7 फीट ऊपर है और ये कैसे इसको माउंट करती हुई जा रही है। आप देखिए इनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हम जैसे लोग जो सोचे ऐसा कभी नहीं हो कर सकते हैं। आप देखिए ये 5 बाइक है, उसके ऊपर कितना है, और उसके पीछे उन्होंने लिखा है देश के रक्षक, महिला जो है रिप्रेजेंट कर रही है देश के रक्षक को, आप देख सकते हैं, और हाथ में हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए कितना खूबसूरत ये स्टैंड है। अभी जब ये वापस आएंगे परेड करके, फिर मैं आपको इनकी आगे की फुटेज देश ऑनलाइन आपको लगातार दिखाता रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लीडर भी मौजूद है जो स्टंट कर रही है बाइक पे, बाइक भी नॉर्मल बाइक नहीं है, बुलेट है, राइट? यस सर। आपको कैसा फील हो रहा है? प्राउड फील होता है, एक महिला होने के नाते मुझे प्राउड फील होता है।
और कब से कर रही हैं आप ये? ये 2014 से कर रही हूँ मैं, लगातार कर रही हूँ। आपका एक ही बैच है सीआरपीएफ? हाँ, मेरे सीआरपीएफ एक ही बैच है। आप देख रहे हैं ये सारे जो स्टंट करने के लिए महिलाएं जो हैं बुलेट पे सवार हो चुकी हैं रॉयल इनफील्ड पे, जो इनको ट्रेनिंग दी है उनके कोच भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप ये कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं 2014 से दे रहा हूँ। 14 से दे रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू टीम के साथ रह रहा हूँ। आप किस इंस्ट्रक्शंस के साथ इनको देते हैं ट्रेनिंग? देखिए, जैसे लगता है कि इनको कहाँ ट्रेंड करना है तो मैं ग्राउंड में इनको नमूना के साथ बताता हूँ। बाइक पे जैसे सीढ़ी है, जो भी है, जो भी इवेंट है उस पर मैं ऊपर चढ़ के इनको स्टैंड दिखा के फिर इनको ट्रेंड करता हूँ। तो आपने देखा इनको बड़ी सेफ्टी के साथ करा जाता है। जो लोग देख रहे हैं इनको घर में प्लीज ट्राई मत करिएगा ये स्टैंड जब भी आप देखें, लेकिन इनको बहुत सेफ्टी के साथ जो है सिखाया जाता है ये सब चीज़ें। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारी महिला स्टंट करने के लिए निकल चुकी हैं। आप देखिए कैसे आप वो स्टंट करेंगे अलग अलग पोजिशन में। कुछ महिला यहाँ से आ रही है जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे भारत को। आप देखो कैसे उनकी जो रफ्तार आगे बढ़ती जा रही है। और एक और महिला है जो माउंट करती है, राइट? आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम संगीता मिश्रा है। आपको मेरे ख्याल से कुछ मिला भी है ना, राइट? हाँ, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जी मैम। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ये स्टैंड करती हूँ और जमीन से ऊपर 7-10 फीट है ये, और ऊपर जाके माउंट करती हूँ। तो मैं पूरे भारत को, मैं या पूरी लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। इच्छा शक्ति होना चाहिए तो हर काम संभव है। आपको डर नहीं लगता इसको माउंट करते हुए? मैम, जब करते हैं, जो सोच लेते हैं कि मुझे करना है, उस चीज़ पे डरते नहीं हैं। बस करना है तो करना है, बस यही है। मैम, हमारे साथ एक और ऐसी महिला जाबाज दबंग महिला है जिनको लाइम उसमें लिम्का उसमें आपको रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज किया गया है। आपको कैसा महसूस हुआ मैम? मैम, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी लिम्का बुक अवार्ड भी मिलेगा या मैं कभी बुलेट भी चलाऊंगी। ये तो हमारे ऑफिसर्स वगैरह हैं जिन्होंने हमारे अंदर के टैलेंट को पहचाना कि हमारी लड़कियां ही कर सकती हैं, वरना हम तो अपनी ड्यूटीज़ वगैरह ही करते थे ज़्यादातर। तो उनको लगा कि हम ये बुलेट का डेमो भी करें। तो आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम मीना चौधरी है और मैं 233 बटालियन में हूँ। बटालियन में ये जो महिला है सीआरपीएफ की बटालियन की, पहली बार 26 जनवरी को अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाली है, अपनी वर्दी सीआरपीएफ को रिप्रेजेंट करने वाली है। और बहुत ही अच्छी बात है मैम जब आप ऐसी चीज़ें देखती हैं, जब आप ये स्टंट करती हैं, क्योंकि इस बाइक पे आप देख सकते हैं बाइक जो है नॉर्मल बाइक है, इसको मैं हिला भी नहीं सकती हूँ जिस पर ये स्टंट करती हैं। तो ये जो बाइक है इस पर स्टंट करना कितना मुश्किल होता है? मैम, मुश्किल तो काफ़ी होता है क्योंकि ये हमारे से काफ़ी हैवी वेट में है, तो हम अपना माइंड कंसंट्रेशन करके ही इसको चला सकते हैं, मतलब बॉडी बैलेंस करके, और इससे हम चला पाते हैं। अपना ताकत कम, दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर, इसलिए हम ये कर पाते हैं। मैम, जैसे अभी आप 26 जनवरी में कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रही हैं इस बाइक पे? मैम, मैं इसमें दोनों पिस्टल पोजीशन में रहूँगी। हाँ। और दोनों हाथ में मेरे पिस्टल रहेगा। अच्छा। और मैं गाड़ी के ऊपर माउंट होके खड़े होके गाड़ी चलाऊंगी मैम। कितनी मुश्किल वाले टास्क है जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, हम कर नहीं सकते सही में। इनको जो मैंने आज नाम दिया है दबंग लेडी, वो बिल्कुल सही नाम है क्योंकि इनके ऊपर फिट बैठता है। क्योंकि हम जैसी महिलाएं जो नहीं कर पाती हैं ऐसे स्टंट, और ये हम लोगों को, हम महिलाओं को इंस्पायर करती है ये सब चीज़ें करने के लिए कि महिला किसी से कम नहीं है। आप महिलाओं के लिए एक मैसेज दीजिए। महिलाओं से यही कहना चाहूँगी मैम, सभी हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो घरेलू महिलाएं हों, चाहे वो हमारे जैसे बाइक स्टैंड करती हों, अपनी अपनी जगह पर वो सब कुछ कर सकती हैं मैम। अगर वो घरेलू महिलाएं ना हों, जैसे हमारी मम्मी वगैरह हैं, तो हमारी केयर ना करें तो आज हम इस लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे मैम। इसलिए उनका भी बहुत विशेष योगदान है हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को कमज़ोर समझे कि हम घरेलू महिलाएं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, खाली बाइक स्टंट वगैरह जो करने वाले वही सब कुछ हैं। घरेलू महिलाओं का भी बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है मैम। चलिए, आपने देखा कैसे ये महिलाएं जो हैं बिल्कुल बेखौफ होकर सड़कों पर जो है इस बारी 26 जनवरी की परेड में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, गणतंत्र दिवस में अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी आन बान शान है ये महिलाएं, और ये महिलाओं को, हम हिंदुस्तान को इन ऐसी महिलाओं पर गर्व महसूस होता है।
इस पेशकश पे हमारे साथ और भी खास बात करने के लिए यहाँ के DIG साहब जी हमारे साथ मौजूद है, बीबी वेद जी। सर ये कब से हो रहा है? मैम ये 2014 से कंसेप्चुलाइज हुआ था, तब से हो रहा है मैम। और जैसे ये महिला है, इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती है, कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप कैसे देते हैं? मैम इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम ट्रेन करते हैं। शुरू में हम उनको फेमिलराइज करते हैं बाइक्स वगैरह के साथ, धीरे धीरे उनको जो आसान स्टंट है वो करना सिखाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मुश्किल स्टंट की तरफ लेके जाते हैं उनको। ये आइडिया, ये थीम आपके दिमाग में कब से आया? मैम एक्चुअली ये मेरा आइडिया नहीं है, हमारे जो प्रेजेंट DG साहब है श्री AP महेश्वरी जी, जो वो IG नॉर्दर्न सेक्टर थे यहाँ पर, तब उन्होंने देखा कि मोस्टली लड़के ही मोटरसाइकिल पर इस तरह के करतब दिखाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि लड़कियाँ क्यों ना दिखाएं। तब उन्होंने ये आइडिया को कंसेप्चुलाइज करा और उसको रियलिटी में फॉर्म किया मैम। तो 2014 से ये चलता आ रहा है, 2019 में और भी जगह पे ये परफॉर्म कर चुके हैं? मैम बहुत जगह परफॉर्म किया है, इनमें से दो जो लड़कियाँ हैं उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है, संगीता का जो सीढ़ी पर ये करतब दिखाती है मैक्सिमम करतब के लिए, और एक जो मीना है लड़की वो जो पिस्टल वाला चलाती है स्टंट, उसका भी नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। इन्होंने अभी प्रोमिनेंटली किया था, अभी जब ये सरदार पटेल की सेंटेनरी हुई थी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर, वहाँ पर मैम इन्होंने किया था, जहाँ प्रधानमंत्री महोदय ने इनको विटनेस किया था, और रिसेंटली अभी इन्होंने यहाँ पे इंडिया गेट पे भी ये किया था। सर आपसे भी पूछूंगी, आपको जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, जिसको नॉर्मली मेल कंपोनेंट करते रहे हैं, आज पहली बारी राजपथ पे वुमेन कंपोनेंट हमारे डेयरडेविल एक्ट करके दिखाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे 26 जनवरी इस बार खास होने वाला है, जैसे इन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है, 2014 से ये चलता आ रहा है, और 2014 के बाद ये लोग बहुत बारी परफॉर्म कर चुके हैं। ये सारी जितनी भी महिला हैं, ये सब महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनने वाली है, और ये और भी महिलाओं को उत्साहित करेंगे। मैं एक महिला होकर बहुत एक्साइटेड हूँ 26 जनवरी को इनके स्टंट्स देखने के लिए। सब लोग इनके स्टंट देखेगा 26 जनवरी को, क्योंकि महिला जो है रिप्रेजेंट करने वाली हमारे हिंदुस्तान को। और भी आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो।